رب العالمين ولا عاقبۃ للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بحسان الى يوم الدين اما بعد ناظرین کرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته इस महफिल में आप सबका इस्तकबाल है आपको याद होगा पिछली महफिल में हम गुनाहों के असरत के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे थे कि गुनाह करने के बाद इनफरादी ज़िंदगी पर गुनाहों के क्या असर मुरतब होते हैं और इंसान अंदरूनी तौर पर क्या तब्दीली महसूस करता है और किस क़दर अपने और रब के दरमियान वहशत महसूस करता है और ये ताल्लुक़ ताल्लुक बिल्ला जिस कदर मजबूत होगा जिस क़दर इंसान अल्लाह का मतय फर्माबरदार होगा उसका ताल्लुक अल्लाह से कवीतर होगा उतना ही ज़्यादा वो अंदर से शादा व फरह होगा खुश व खुरम होगा और वसाइल की कमी के बावजूद वो कभी भी शाकी नहीं होगा गुनाहों के असरात सिर्फ इनफरादी ज़िंदगी ही पे मुरतब नहीं होते बल्कि इज्तमाही ज़िंदगी पर उसके असरात और भी बहुत ज़्यादा मुरतब होते हैं अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम की हदीत है कि लम तद हरफा फ़ी कोमिन तुम यूनु बिहा फ़शा फ़ीम अलआजा अल्लाती लम तकन फ़ी असला जब भी फुहाशी और बुराई किसी कौम में वजूद पजीर होती है और उसमें फाशी ख़ुल्लम खुल्ला की जाती है और लोग बगैर शर्मो हया के फाशी का इरतक करने लगते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें तान में और ऐसी बीमारियों में मुबला कर देता है जो उनके असलाफ़ में जो उनके पहले लोगों में वो बीमारी नहीं पाई जाती थी इसी मौजू पर इनशा अजीज इसी नुकते पर हम अपने मुहरम कराम के साथ गुफ्तगु करेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने अपने मोहरमय कराम का तारुफ पेश कर देता हूँ सबसे पहले मेरे दाएं तरफ मुझसे करीब मौलाना एजाज असलम जमात इस्लामी हिंद के सक्रेटरी और हफ्त रोज़ा जरीदा रेडियंस के एडिटर पीस टी वी के मरूफ मुकर्र बाएँ तरफ मुझसे करीब मौलाना रजाउल अब्दुलकरीम मदनी हफिजाला जामिया सैद नजीर हुसैन मुहदस देहलवी के नाजिम तालीमत मशहूर दाई खतीब और मुसनफ़ और पच्चीस से ज़्यादा किताबों के आप मौलिफ़ हैं दाएँ तरफ मुझसे दूर मौलाना अब्दुल उमरी मदनी हफज जामिया इस्लामिया मदीना मनोरा के फारगुल तहसील मजलिस इस्लामी बरतानिया के सदर और महानामा सरात मस्तकीम बर्मिंगम के एडिटर ऐसे ही बाएं तरफ मुझसे दूर मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी अजहरी हफेदल्ला आलम इस्लाम की मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया अजहर के फारकहसील जमयतुलमसलमीन भिवंडी ऐसे ही एजुकेशनल ट्रस्ट भिवंडी के आप सदर हैं और पीस टी वी के आप भी मुस्तकिल मकर हैं मैं आप तमाम उलमाए क्राम का इस महफ़ल में इस मुबारक नशस्त में इस्कबाल करता हूँ इस दुआ के साथ के अल्लाह ताली हमारी इस महफ़िल को भी मुबारक बनाए सबसे पहले मैं अपने क्राम से उनके तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में ये जानने की कोशिश करूँगा क्योंकि हर तरफ हर जगह हमारे येमाय कराम तशरीफ़ ले जाते हैं और मुशाहदा करते हैं देखते हैं कि जो लोग गुनाह में जिस कदर ज़्यादा मुलस होते हैं उसी क़दर उन पर आसमानी बलाएँ और मुसीबतें भी आती हैं सबसे पहले मैं मौलाना एजाज असम साहब से इस हदीस की रोशनी में जो अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया है कि जब भी किसी कौम में फुहाशी आम होती है और खुल्लम खुल्ला लोग उस फुहाशी का इरतक करने लगते हैं तो उनके अंदर ताउन और ऐसे ही वो बीमारियाँ आम होती हैं जो उनके असलाफ में नहीं पाई जाती थी अल्लाह ताला की ये दुनिया सिर्फ मादी उसूलों की बुनियाद पे नहीं चल रही है कुछ अखलाकी असूल चुनाची एक तरफ हम देखते हैं कि आज की दुनिया में काफ़ी मादी तरक्की हो रही है खुशहाली आ रही है लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपने ज़िक्र किया फुहाशी और बेहई का या खुद गर्जी का या नफ्सपरस्ती का या तशद का ये सब चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं और इसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी चैन और सुकून से महरूम हो गई आदमी के पास बहुत कुछ है लेकिन वो चैन और सुकून से महरूम आदमी को अगर सब कुछ मिल जाए लेकिन अगर उसके अंदर चैन और सुकून ना हो तो फिर वो ज़िंदगी बिल्कुल बेकार चुनान हम मगरब में देखते हैं बड़े बड़े लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं खुदकुशियाँ करने वालों की तादाद बढ़ रही है हिंदुस्तान में साल भर में तकरीबन एक लाख पैंतीस हजार अफरा खुदकुशी करते हैं और खुदकुशी करने वाले कोई किसान मामूली ढूंपड़ों में रहने वाले या गरीब लोग नहीं हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग खाते पीते लोग खुशहाल लोग जिंदगी सुकून से महरूम हो गई बीमारी बीमारी नफ्सिया बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं उसके बल्कि मगरबी नफसियाती बीमारियाँ बहुत ज्यादा हैं आज दुनिया में वेलफेयर स्टेट के लिहाज से एक बहुत ही अहम मुल्क है स्वीडन है नॉर्वे है जी यूस पर कैपिटा इनकम है अमरीका है लेकिन वहाँ भी आप देखेंगे कि खुदकुशियाँ बढ़ती चली जा रही हैं नफसियाती बीमारियाँ तो हैं ही उसके साथ साथ जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ फाशी परवान चढ़ती है वहाँ पर एक तरफ तो ताउन या उस जैसी और बीमारियाँ जी चुनाचे हम देखते हैं कि एड्स की बीमारी आई है बढ़ती चली जा रही है फैल रही है करोड़ों अफराद उसका शिकार हो रहे हैं और उसका या तो इलाज है नहीं अगर है तो इतना महंगा है कि एक आदमी उसको यह नहीं कर सकता है तो जबकि पहले ये बीमारी आमतौर पर नहीं, नहीं, नहीं जानते थे तीस चालीस पचास साल पहले बीमारी का वजूद तक नहीं था लेकिन सीधा जिनसी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं तो खून के वाक़ हो रहे हैं लोग बीयों को कत्ल करते रहें औरतें भी कहीं कहीं मर्दों को कत्ल कर रही इस तरह के वाक़त हो रहे हैं तो ज़िंदगी चैन से अमन से सुकून से महरूम हो गई और इसकी वजह यही है कि आदमी खुदा से दूर हो गया है खुदा के साथ बगावत कर रहा है और यहाँ वो बात भी याद आती है कि अला बे ज़िक्रतमिनूब याद रखो कि दिलों का चैन ज़िंदगी का इतमान अल्लाह की याद से यानी अल्लाह से ताल्लुक अल्लाह का ज़िक्र अल्लाह के आगे झुकने और अल्लाह के आए काम में ही है ये तो एक खुले हुई हकीकत जी मौलाना ये बीमारियों के ताल्लुक से ख़ास तौर पर आप बरतानिया में रहते हैं और अल्लाह के रसूल सल्ला वम की ये हदीस आपके सामने है ज़रा आप अपने मुशाहदात बताएं देखिए बीमारियाँ इस तेज़ी के साथ फैलती जा रही हैं कि नियरेस्ट माजी में करीब तरीन माजी में भी उन बीमारियों का नाम भी लोगों को नहीं मालूम था अब जो बीमारियाँ आम हो रही हैं पुरान करीम की एक आयद वज़ारत ना अनुहलिका ख़रीतन अमर ना मुतरफ़ी हा वसकूफ़ी हा बक् वदम मरना कि जब अल्लाह ताली किसी पर कोई अजाब मुसलत करना चाहते हैं तो ज़्यादातर वहाँ के जो खुशहाल लोग हैं उनके अंदर ये फिसजूर बुरी आदतें ये परवान चढ़ने लगती हैं उसके बाद ही अल्लाह ताला का अजाब आता है तो फजूर के अंदर ये सब अखलाकी बुराइयाँ जिनसी बुराइयाँ ये सारी चीज़ें आम होती जा रही शराब नोशी के नुकसान इतने ज़्यादा हैं कि अब बरतानिया जैसे मुल्क में बहुत सी जगहों पर पब्लिक इलाक़ों में ये पाबंदी लगा दी गई है कि आप शराब का इस तरह से एडवरटाइजमेंट ना करें कि उसके अंदर हौसला अफजाई का पहलू पाया जाता हो यानी शराब के नुकसान से वो खुद अब वाकिफ हो रहे हैं अब उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं इसी तरह से बहुत ज़्यादा पब्लिक मकाम पर सिगरेट नोशी और इस तरह की चीज़ों को सख्त मना कर दिया गया लंदन के बहुत से ट्यूब इस्टेसन्स रेलवे इस्टेसन्स बर्मिंगम मानचेस्टर बड़े बड़े जो शहर हैं उनकी इस तरह के जो पब्लिक मकाम हैं इसमें सिगरेट पीने को क़ानूनी जुर्म करार दिया गया कि आप पब्लिक मकाम पर यह नहीं पी सकते ये दीन समझ कर वो नहीं कर रहे हैं लेकिन यह कि दीन ने जो हमें बहुत पहले बताया था इनडायरेक्टली वो उसी की तरफ आ रहे हैं अब इसी तरीके से जिनाकारी का जो मसला है ये इतना आम होता जा रहा है कि इसकी वजह से जो पैदा होने वाली बुराइयाँ और, और बीमारियाँ हैं उसकी रोकथाम के मुख्तफ तरीक़े तदबीरें इस्तेमाल की जा रही मगर चूँकि वो तदबीर अल्लाह ताला के, के मुताबिक नहीं इंसान की अपनी समझ के मुताबिक है तो वो चाहते हैं कि गुना भी करें उसका बुरा असर भी ना हो जो कि मुमकिन नहीं है मिसाल के तौर पर यह है कि जिनाकारी पर पाबंदी लगाने के बजाय वहाँ पर यह है कि भाई अगर लड़का और लड़की का आपस में मिलाप हो तो उसमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने चाहिए तो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही है होना तो ये चाहिए कि उसको आप रोकें जब आप समझ रहे हैं कि आपके बच्चे तबाह हो रहे हैं आपकी बच्चियाँ तबाह हो रही हैं फैमिली का निज़ाम ख़राब हो रहा है जिससे वो सब वाकिफ़ हैं तो उसको रोकना चाहिए था ख़त्म करने के बजाय अब उसके अंदर उसकी जो हिफाजती तदबीर है ना करो वो बुराई लेकिन यह है कि उस बुराई के नतीजे से बचने के लिए ये ये चीज़ें तुम कर सकते हो जी जजाक खैर मौलाना गुनाहों का एक नुकसान ये है कि आसमानी बलाएँ आती हैं अल्लाह के रसूल सल्ला वम की मुस्तनद हदीस है कि तिहादिल्मतफन व मसख़ुन व कसफ़ाज़ाहरतल्न वमाजिफ व शुरमोर ज़रा आप इस हदीस की रोशनी में और अपने मुशाहदात की रोशनी में हमारे नाजरीन कराम को ये बताएँ कि जो आसमानी बलाएँ भी आती हैं वो बहुत हद तक उसके पीछे हमारे जिम्मेदार होते हैं ऐसे ही कहत साली आती है जजले आते हैं और हदीसों में इसकी वजाहत है कि जो जजले आते हैं या कहत साली आती है कि जब लोग जक़ात देना बंद कर देते हैं कबायर में मुबतला हो जाते हैं तो इस तरह की आसमानी बलाएँ और मुसीबतें इंसानों पर आती जी मौना रसोल्ला अब अलहदुल्लत रसूल जो 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 बात हदीस शरीफ में कही गई है अभी कुछ ज़माने पहले तक लोग उसको ये समझते थे कि ये महज डराने के लिए ऐसा कहा गया है हकीकत नहीं है लेकिन इंसानी तारीख का लंबा सिलसिला हमें ये बतलाता है कि जो चीज़ यहाँ अदीस में बतलाई गई है जो चीज़ पैगम्बर इस्लाम की जुबान से कही गई है उसमें जर्रा बराबर भी महज दिखावा नहीं है डरावा नहीं है बल्कि हकीकत है और बड़ी बड़ी हुकूमतें बड़ी बड़ी तहजीबें इन्हीं बुराइयों की वजह से तबाही और बर्बादी से हमकिनार हुई जितनी बड़ी बड़ी तहजीबें गुजरी हैं बालवा की हो मिस्र की हो रूम की हो इन तहजीबों की तारीख आप पढ़ें तो उसके पीछे आपको यही सब कुछ मिलेगा और यही बात देखिए आपको आप कि इकबाल फलसफा तारीख़ का बहुत बड़ा स्कॉलर है कहता है कि आज तुझको बताऊँ मैं तकदीर उमम क्या है शमशीर सेना अव्वल ताउस रबाब आखिर हमारे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी सल्तनत मुगलिया और उसके अलावा भी इनके अंदर क्या हुआ कि जब आए थे तो किस हाल में आए थे किस जफा कशी से मेहनत से कोशिश से लेकिन आखिर में क्या हुआ उनके दरबारों में बजाय इसके दानश्वरों का गुज़र हो वहाँ आलिमों का गुज़र हो उन्होंने तवायफों को और इन पेशावर खातिन को ताऊस रबाब को और इन तमाम चीज़ों को जिसका ज़िक्र इस हदीस में किया गया है अल्न वमादफ ये सारी चीज़ों का चलन हुआ और शराब तो एक ज़माने में इस कदर आम हो गई के बदायूनी कादिर बदायूनी अपनी तारीख में लिखते हैं कि फ़लॉँ काजी शराब के सिलसिले में बहुत सख्त है हालांकि मैं जानता हूं कि वो खुद पीता है क्योंकि जो आदमी उसको सप्लाई करता है उससे मेरी वाकफ़त जी खैर मौलाना इन अज़ीज़ हम थोड़े से वक्फ़े के बाद आपके पास दोबारा आएंगे नाजरीन कराम यहाँ पर एक मुख्तसर सा हम ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा इनशा लज़ीज़ आपकी खिदमत में हम मोहतरम कराम के साथ वापस आएंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाम आलकम वरक सामेकम वह वरका पीस टी वी के मेरे मोहतरम नाजरीन आप सबका दोबारा खैर मकदम है हमारी गुफ्तु ये चल रही थी कि अगर किसी कौम में म्यूज़िक और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और शराब वगैरह बहुत ज़्यादा आम हो जाती है तो अल्लाह ताला उस को ख़सफ़, मस्फ़ और कसब यानी अल्लाह ताला उनको धंसा देता है या उनके चेहरे मस्क कर देता है या आसमानी बलाएँ आती हैं ये गुफ्तु कर रहे थे मौलाना अब्दुल करीम साहब मोहतरम आप अपनी बात मुकम्मल करें तो ये इस तारीख के इतने लंबे अरसे हमें जो सबक मिला है उस चीज़ को हमारे रसूल सलील वसम ने पहले ही बतला दिया कि जो कौमें इन चीज़ों का सहारा लेंगी और इन पर अपना सारा वक्त सर्व करेंगी फिर वो किसी काम की नहीं रहती फिर दुनिया वाले भी उनको रिजेक्ट कर देते हैं उनको समझ लेते हैं कि इनके अंदर कुछ है नहीं और अल्लाह अल्लाहबुलज़त भी उनको किसी काम का नहीं समझता और अल्लाह हरबुलज़त अपनी इस कायनात में जो कौम अपनी इफ़ादियत और मकसदियत को भूल जाती है फिर उसको बाकी नहीं छोड़ता कल तो भर उसको उसे हदीस के अल्फाज में ख़ियामत बताया गया है यानी गुनाहों की कसरत जो है सैकुन फम्मजफ के क़ियामत से पहले की अलामतें बताई गईं कि मेरी कौम के कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये ममनुआ चीज़ों को हलाल कर लेंगे और हलाल करेंगे तो गुनाहों का तस्वूर ख़त्म हो जाएगा इसके बाद वो उसकी पनिशमेंट जो है सज़ा और उसके की जद में वो आएंगे उसमें से ये जो चंद बातें बताई गई कि म्यूजिकल इंस्ट्रोमेंट आपने आलाते मौसी का जिक्र किया शराब का जिक्र किया जनाकारी का जिक्र किया और जो ख़ास रेशम वग़ैरह मरदों के लिए जिससे मना किया गया ये सब वो मुख्तलि बहानों से अपने लिए हलाल कर लेंगे जब हलाल कर लेंगे तो गुनाहों का एहसास चला जाएगा तो गोया कि वो अल्लाह ताला के अजाब की ज़द में आएंगे, तो कोई ममनुआ चीज़ को अपने लिए मुबाह करना अल्लाह के अजाब को गोया चैलेंज करने की बात जी असरी साहब अल्लाह रबालमी ने कुरान में फरमाया है कि पिछली कौमों का जिक्र करते हुए कि हमने उन्हें ज़मीन में समकिनत दी उनको ज़मीन में क़त अता की नहरें जारी किएँ ज़मीन को सरसब्दो शादाब बनाया यहाँ तक कि वो इतराने लगे और आखिर में अल्लाह ने कहा बाह ना हम बेजुनू बिह हमने उनके गुनाहों के बादाश में उनको हलाक कर दिया ज़रा इस ताल्लुक से रोशनी डालें कि गुनाह लोगों के कौमों के हलाकत का किस कदर सबब बनते हैं। और अमल व मकाफतमल बी आई कराम की तलीमत से भी मालूम होता है और तजर्बात से भी इसकी शहादत मिलती है जब अमाल अच्छे होंगे और ज़िंदगी के अकदार का अहतराम किया जाएगा जो सही अकदार हैं तो फिर माहौल में सतरीबन नहीं होगी और इस्लाम का मनशही यह है कि माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा तहजीब पाक ताहिर मैं तो वही जबान बोल रहा हूँ जो हमारी शर्यी और इस ज़बान है उसको बनाया जाए ताकि बुराइयाँ रुकें वरना हकीकत ये है कि इंसान जो भी बुराई करता है या कोई अमल करे अच्छा भी करे उसके असर उसकी ज़िंदगी पे उसके समाज पे ना गुजरे जैसे आपने जो कर्न पाकि आयत का माफूम बताया अभी इसके बिल्कुल अपोज़िट अहिल दिन तल्सन इन मक्न्ना फिल्द अकामद वात ज़क़ात बाममारूफ मुनकर अच्छे लोग हुए अगर उनको ज़मीन में नमकीन नसीब हो इसकरार नसीब हो दूसरा तो कुरान पा कहता है कि जहर फसाद फिर बहर फसादर वे मसमत ए दिननाथ वादे तौर पर इंसान के इकतसबात जो हैं उनके असरात समाज पर पूरे तौर पर पड़ते हैं अब रहा मामला कि अल्लाह ताला मुकाफ़ात अमल को किस तरह से करेगा तो तरीक़ा है ये तो पर दुनिया में इल्लत तो दुनिया का निज़ाम कायम है पाक अलैहि वसल्लम की नबूत के नतीजे में उम्मत को उम्मत के हवाले से पूरी इंसानियत को ये फायदा पहुंचा कि किमूमी अजाब नहीं आएगा वो अदाब जैसे आप लोग कहते हैं ना कि जैसे नू की कौम पर आया के सामने चीज़ें आई आज क्यों नहीं आ रही हैं ये हुजूर की नबूत है जो इसका तहफ़ कर रही है लेकिन दूसरी शक्लें जाहिर होंगी मुसल इलाकों में कहीं जल्जले का आ जाना कहीं सैलाब का जाना कहीं बीमारियों को फैल जाना क्योंकि तो अल्लाह ताला ने जमीन हम के हमारे हवाले करके बेताल्लुक़ ने इख्तियार कर ली है वो उसमें उसकी हमत जारी सारी है उसकी क़ुदरत जारी सारी है उसका निज़ाम जारी सारी है, जारी सारी है। कैसे हो सकता है कि क्या उसको देखता रहे खामोश तमाशा ही बना रहे अफरगुजर उसका हिल शर्मिंदगी और उसकी हया बहुत जल्द पकड़ने से बात आती है भाई मत पकड़ो मौका दो कितना मौका दिया जाए ये अनकबूत में मुख्तलिफ कौमों पर जो अजाब आया उसकी तफसील बताई गई कि उन्होंने क्या गुनाह किया उसके एवज में कैसे अजाब आया उसके बाद जो लफ्ज़ है वो बहुत गौरतलब है हमारे लिए जो आपने अहम नुकत पेश किया गुनाहों के असरात क्या होते हैं तो उसके अंदर फकुल्ला अखदना हर कौम को उनके गुनाहों की पादाश में ख़त्म कर दिया गया तो अब ये जो उनके गुनाहों की वजह से अजाब आया तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई कौम अगर अल्लाह ताला की बगावत करते रहे नाफरमानी करते रहे अजाब की मुस्क हो जाती है तो अब अगर हम लोग भी इसी तरह की नाफरमानी करते रहें तो अजाब के मुस्त तो हो गए मगर अब अजाब की शक्लें अलग अलग हो सकती हैं इन अजीज मौलाना हम इस रुखते पे आएंगे हम यहाँ एक सुबह पेश करते हैं आप लोगों के सामने जरा आप लोग इसकी वजाहत करें बहुत सारे जो जज्जले वगैरह आते हैं या आसमानी बलाएं आती हैं तो बहुत सारे मुसलमान भी ये कहते हैं कि भाई अल्लाह ने कहा है कि हम गुनहगारों को पकड़ते हैं दुनिया में एक से बड़े बड़े पापी पाए जाते हैं एक से बड़े बड़े जालिम और जाविर पाए जाते हैं अल्लाह ताला उनको नहीं पकड़ रहा है क्यों मुसलमानों ही को पकड़ रहा है जबकि कहा है कि हम गुनहगारों को जहाँ पर फहाशी वगैरह बुराइयाँ खुल्लम खुल्ला की जाती हैं उनको पकड़ेंगे अजाब की कई शक्लें होती हैं जलजले हों सैलाब हों या और कोई चीज़ हो या फिर ये कि कौमों की खुदकुशी हो नफसियाती लिहाज से ख़ुदकुशी है जराए में मबला हो जाना है आपस में फतल ख़ून करना है जंग करना है इस तरह की जो भी फितरी खास को जो चीज़ें होती हैं नैचुरल डिसास्टर्स उसमें दो तीन पहलू होते हैं एक तो ये है कि अल्लाह तबारक तौ के कुछ तभी उ उनके मुताबिक कुछ काम करता है दूसरी बात यह है कि वह खाती को गुनाहगारों को उसके ज़रिए से पकड़ता है सी चीज आजमाइशें भी होती हैं हम डेफिनेटली ये बात नहीं कह सकते कि फुला गुना की वजह से आया है जी। कुछ लोगों के लिए वो सजा होती है कुछ लोगों के लिए आइंदा मजीद जुर्म करने से पकड़ लिया जाता है कुछ लोगों के लिए वो एक आजमाइश होती है कि वो मुसीबत में क्या करते हैं कुछ लोगों के लिए ये भी होता है कि वो ऐसे लोगों को हालात को दुरुस्त करने के लिए और मुसीबत मुसीबतान की मदद के लिए क्या करते हैं सारे पहलू हैं बहुत सारे लोगों की आजमाइश होती है लेकिन इसमें आपने जो ये किया कि बहुत से लोग ये जो एतराज करते हैं गुनाह करते हैं तो उन पर क्यों नहीं अजाब आता अजाब की मुख्तलिफ शक्लें हैं क्या ये फितना और आजमाइश नहीं है कि घर का सारा निज़ाम तबाह और बर्बाद हो जाए लोगों के पास देखने में दौलत तो बहुत ज्यादा है लेकिन नींद की गोली खाए बगैर वो बिस्तर पर सो नहीं सकता देखने वालों के लिए तो बहुत कुछ है उसके पास लेकिन वो चैन से बैठ नहीं सकता लोग ये गलत का शिकार हो गए कि शायद गैर मुस्लिम बड़े बड़े गुनाह करते हैं और उन पर आजमाइश नहीं आती आजमाइशें इतनी आई हैं कि अगर आप उनको ईद बिना हो तो आदमी उसको देख सकता है मगरबी दुनिया में फैमिली निज़ाम सारा तबाह हो गया क्या ये आजमाइश नहीं है कि एक बूढ़ा बाप है उसको मालूम नहीं उसके बेटे जिंदा हैं नहीं हैं अच्छी हालत में है बुरी हालत में है मसी साल की बूढ़ी वालदा है उसको देखने के लिए कभी उसका कोई रिश्तेदार तक नहीं आता वहाँ पर क्या उसके लिए ये आजमाइश नहीं है बिल्कुल मौलाना साहब कुरान शरीफ़ के मुाले से आपके शबे के दो जवाब कुरान शरीफ़ देता है पहली बात तो ये है कि हम जो ये देखते हैं कि सिर्फ मुसलमानों पर आ रहा है हमारा ये मुताला या ये, ये कहना दुरुस्त नहीं है कुरान कहता है तखलबिला मत खल जहन कभी कभी ऐसा होता है कि जो फ़र कर रहे हैं शिर कर रहे हैं बुराइयों में लतपत हैं और मासी में घिरे हुए हैं पूरे तरीके से हम उनको देखते हैं बड़े मौज मस्ती में रह रहे हैं तो कभी कभी हमारी आज़माइश के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको खिला रहा है पिला रहा है सब कुछ दे रहा है क्यों इसलिए कि जैसे रसूल अकरम ने फरमाया उनके लिए सिर्फ दुनिया है दुनिया में थोड़ा आराम उनको पहुँच रहा है फिर उसके बाद आँख बंद हुई और फिर उसके बाद जहनमी जहन्नम है उनके लिए और ये जो आप जो मुस्लिम उन पर रज़ाब क्यों आता है या गैर मुस्लिमों पर नहीं आता जलजले आते हैं मिसाल के तौर पर क्या जलजले सिर्फ़ मुस्लिम इलाक़ों में आए गैर मुस्लिमों में भी आए तो इस तरह से जलजले जो आए अभी करीब के जो जलजले हैं मुख्तलिफ किस्म के जो क्लाइमेटी आप कह लें आसमानी आफतें बलाएँ और चाहे बारिश की शक्ल में हो तूफ़ान की शक्ल में हो अमरीका का एक इलाका तबाह कर दिया गया और सैलाब की ज़द में और न जाने कितनी महल्ले वहाँ पर ख़त्म कर दिए गए बिल्कुल जजाक लाख नाजरीन कराम आपने देखा कि इंसानों के गुनाह के क्या असरात, उसके समाज मुआशरे और उसकी इनफरादी ज़िंदगी पर पड़ते हैं इन शज़ीज़ हम अगली महफिल में मज़ीद गुनाहों के असरात पर गुफगू करेंगे वक्त ख़त्म हो चला है इसलिए अब हम आपसे रुखत चाहते हैं अल्लाह रब्लम हमें हर किस्म के छोटे बड़े गुनाहों से महफूज रखे आमीन वा आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू